स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपने एज अ सेलर अपनी बिगिनिंग स्टार्ट करी है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करा है फ्लिपकार्ट पे या इस तरीके के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कहां से सोर्सिंग करनी चाहिए, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से। तो ये सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज 700 प्लस ऑलरेडी लेटेस्ट कंटेंट के संग हमारे चैनल पे वीडियोज हैं और इस साल हम 1000 वीडियोज 30-35 नई सीरीज ला रहे हैं ताकि आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दे पाए। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लें ताकि आप कुछ मिस ना करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम जान रहे हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट सोर्स करना है अपनी ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो आप सबसे पहले तो अपने विनिंग प्रोडक्ट्स चुनेंगे, आपकी अपनी प्लानिंग होगी जिस प्रोडक्ट को आपको बेचना है, ऑनलाइन लेकर आना है। तो उसके लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पे जा सकते हो या आप होलसेलर के पास जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाना है तो उसके लिए क्वांटिटी और बजटिंग थोड़ी सी हाई एंड पे रखनी पड़ सकती है, और अगर आप एज अ बिगनर हो, आपके पास बहुत ज्यादा बजटिंग नहीं है, तो आप होलसेलर्स पर भी जा सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा कम कॉस्टिंग के अंदर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं बहुत लिटिल मार्जिन के संग। मगर कई बारी दिक्कत ये आती है कि जिसको हम होलसेलर समझ रहे होते हैं वो खुद जो बिग होलसेलर्स होते हैं उनसे प्रोडक्ट्स को सोर्स कर रहे होते हैं और फर्दर वो रिटेल, आप जैसे रिटेल चेन के अंदर आते हो तो आपको वो सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं कि कोई होलसेलर से खरीद रहा है, फिर वो आपको लिटिल मार्जिन के संग दे रहा है, फिर आगे कोई आपको सेल कर रहा है, तो उसके अंदर आप वो कॉस्टिंग जो ऑनलाइन है उसको कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको मार्केट स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा जो होलसेलर्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे बात करनी है, जो अलग अलग मार्केट्स आपके प्रोडक्ट्स के लिए हैं वहां पर आपको बात करनी है, ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि ये प्रोडक्ट के जो मेन होलसेलर्स हैं वो कौन है, सबसे बेस्ट कॉस्टिंग कौन दे रहा है, साथ के साथ क्वालिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जब तक आप मार्केट स्टडी नहीं करोगे, आप लोगों से बातचीत नहीं करोगे, कुछ सैंपल्स नहीं लोगे, तब तक आप सही होलसेलर से प्रोडक्ट सोर्स नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों होलसेलर में कोशिश ये करें कि जो मेन होलसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, वहीं से आप सोर्स करें तो आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात आती है मैन्युफैक्चरर, अगर आपके पास बजट है और आपके पास वो क्वांटिटी है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पे जाके उसको बाय कर सकते हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स पे जाएं, उनसे बात करें। और कई बार क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो उसमें अगर जो आप लोगों के रिव्यूज पढ़ते हो, उन कस्टमर रिव्यूज के बेसिस पे अगर आपको उन प्रोडक्ट्स में कुछ कस्टमाइजेशन कराने हैं, चेंजेस कराने हैं, अपने हिसाब से बदलाव कराने हैं उस प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए, तो वो बातचीत भी आप मैन्युफैक्चरर से कर सकते हो और अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को डेवलप करा सकते हो। तो दोस्तों ये दो ऑप्शंस मार्केट के अंदर हैं कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सोर्स कर सकते हो और होलसेलर से, मगर दोनों ही चीजों में आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रॉपर प्रोडक्ट की स्टडी करें, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें, उसकी मार्केट में क्या डिमांड है उसके बारे में जाने, क्या लोग अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे हैं उसके बारे में जाने, उसके ऊपर क्या ऑफर्स आ रहे हैं उसके बारे में जाने, क्या फीचर्स आ रहे हैं उसके बारे में जाने। तो ये सारी जानकारी गैदर करने के बाद सही जगह से अगर आप सोर्सिंग करोगे तभी आप कम्पीट कर पाओगे, बिकॉज ऑनलाइन कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा और क्वालिटी भी डिलीवर करनी पड़ेगी, वरना रिव्यूज सही नहीं आएंगे। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, तभी आप ऑनलाइन सेलिंग के अंदर अपनी जगह बना सकते हो और सेल लेकर आ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इन बातों का आप ध्यान रखोगे।
दोस्तों इसी तरीके से हम और बहुत सारी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेने के लिए आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं, वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।